जय हिंद दोस्तों। अभी अभी एक जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है वो है कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया है केपी शर्मा ओली, इससे नेपाल के अंदर क्या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ चुकी है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि इंडिया और चाइना को इससे कैसे प्रॉब्लम होने वाला है, और इंडिया और चाइना इसके लिए खुश हैं कि दुखी हैं, आपको सारा वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि केपी शर्मा ओली ने जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया है वो क्यों किया है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया है ये कल किया गया है, यानी 20 दिसंबर 2020 को नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि जो अब इलेक्शन होंगे वो होंगे 30 अप्रैल से 10 मई 2021 तक। 30 अप्रैल से 10 मई 2021 के बीच में ही इलेक्शन होंगे नेपाल में, जिसके बाद नया सरकार बनेगी। तब तक के लिए यानी इस बीच जो 4-5 महीने बाकी है, दिसंबर से लेकर मई तक का महीना है, उसमें केपी शर्मा ओली के हाथ में पूरा पावर चला जाएगा। केपी शर्मा ओली जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी पार्लियामेंट नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को पहले डिसॉल्व कर दिया है। तो अब कोई बिल पास होगा नहीं, अब वही पूरा कानून बनाएंगे, उनकी जो मर्जी रहेगी वही चलेगा। इसीलिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल के अंदर, जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके अंदर भी, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो केपी शर्मा ओली की पार्टी थी उनके अंदर भी कुछ ऐसे नेता है जो केपी शर्मा ओली की बात नहीं मानते थे, वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आपने पार्लियामेंट को रिजॉल्व करके डेमोक्रेसी का हनन कर लिया है और इसे रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आपका ये रिजोल्यूशन जो है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है काठमांडू के कुछ ऑब्जर्वर्स का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी केपी शर्मा ओली का साथ देगा, क्योंकि अभी भी केपी शर्मा ओली का जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में वो 2/3 है। भले बहुत सारे नेता ने रिजाइन कर दिया, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने केपी शर्मा ओली के पार्टी से रिजाइन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद 2/3 मेजोरिटी केपी शर्मा ओली के पास है। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट भी केपी शर्मा ओली का साथ देने वाला है और ये रिजोल्यूशन हो चुका है और ये रहेगा। अब इलेक्शन होंगे 30 अप्रैल से 10 मई तक, उसके बीच में केपी शर्मा ओली जो चाहे वो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व क्यों किया। आपको बता दें केपी शर्मा ओली ने 2017 में कुर्सी संभाली थी 2017 में, और ये 2022 तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने बीच में डिसॉल्व कर दिया है लोकसभा को, पार्लियामेंट को, इसलिए इलेक्शन 2021 में हेल्ड होंगे। अब हो सकता है कि नेपाल को 2021 में एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब दोस्तों केपी शर्मा ओली ने नेपाल के पार्लियामेंट को इसलिए डिसॉल्व किया है क्योंकि इनके जो पार्टी है, इनके पार्टी के अंदर ही कुछ ठीक नहीं चल रहा था कई दिनों से। जो बहुत बड़े बड़े नेता जैसे पुष्प कमाल दाहाल, जिन्हें प्रचंडा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, वो उसके साथ साथ दो फॉर्मर पीएम भी थे, उसके साथ साथ 7 बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से रिजाइन कर दिया, जिसके वजह से केपी शर्मा ओली को ये डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं है और हो सकता है कि हम पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी को सिद्ध ना कर पाए और वहीं पे पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी पार्टी को डिसॉल्व कर दें और पूरा आगे 4-5 महीने तक हाथ में अपने पावर रखें और जो चाहे वो कर सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने एक और बात ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी केपी शर्मा ओली पहले कोई बिल पास करना चाहते थे तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं पुष्प कमल दाहाल, ये इन्हें रोक देते थे कि ऐसा मत कीजिए, इससे आप गलत कर देंगे, नेपाल के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे 7 वो भी इनको रोकते थे कि आप ये काम मत कीजिए, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली रुक जाते थे और उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि 5 महीने वो अपने हाथ में सब कुछ पावर रखना चाहते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसको दो नजरिए से देख सकते हैं, हो सकता है केपी शर्मा ओली कुछ 5 महीने में ऐसा काम कर जाए जैसे कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए किया है, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो केपी शर्मा ओली को पसंद करने लगे, जो इस समय पसंद नहीं कर रही है। और दूसरी बात, हो सकता है केपी शर्मा ओली कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से नेपाल में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने भी यही काम किया। इस समय चाइना में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, सब कुछ है तो सी जिनपिंग ही है। वैसे हो सकता है केपी शर्मा ओली भी ये काम कर दे कि अब बोल दे कि अब कोई भी ऑपोजिशन नहीं रहेगा,
कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अब नेपाल में एक सिंगल पार्टी राज करे। लेकिन ये दोनों तथ्य हैं, अब क्या होगा वो आपको समय ही बताएगा, लेकिन ये दोनों चीज हो सकता है। अब दोस्तों आइए आपको ये बताते हैं इंडिया और चाइना के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इंडिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा कहा है कि हम इस डिसीजन पे कोई भी शब्द नहीं कहना चाहते क्योंकि ये नेपाल का इंटरनल मैटर है, हम इस पे शांत रहेंगे। क्योंकि दुनिया भर में इंडिया को एक ताना देती रही है, हम जो इंडियन है वो बार बार नेपाल के इंटरनल मैटर में दखल देते रहते हैं। इसके वजह से इंडिया ने इस बार पहले ही कह दिया कि नेपाल का इंटरनल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कहने वाले हैं। लेकिन चाइना को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, बहुत ज़्यादा दुखी है चाइना, क्योंकि चाइना की जो एम्बेसडर है नेपाल में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि जो NCP है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उसे एक साथ रखे। लेकिन उनकी जो ये मेहनत थी, चाइना की जो मेहनत थी कि NCP यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ रखे, वो मेहनत इस समय खत्म हो चुकी है क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी इस समय बिखर चुकी है। क्योंकि पुष्प कमल दाहाल 2 फॉर्मर मिनिस्टर और 7 मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, जिसके वजह से चाइना बहुत ज़्यादा दुखी है। चाइना ये चाहता था कि नेपाल में ये जो पार्टी है NCP ये एक साथ रहे और चाइना को फायदा कराती रहे। और क्योंकि नेपाल से इस समय कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होने जा रही है, तो चाइना को एक बहुत ही बड़ा डर है कि हो सकता है 2021 के इलेक्शन में जो 10 मई के बीच में होने वाला, 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में, उसमें KP शर्मा ओली वापस सत्ता में नहीं आए तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों अगर वापस से KP शर्मा ओली आते हैं तो चाइना के लिए फायदा है, और नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा चाइना के लिए। और इंडिया इसका उल्टा चाहेगा, इंडिया चाहेगा कि KP शर्मा ओली इस बार ना आए सत्ता में, ताकि कोई नया प्रधानमंत्री आए जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, जिनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे रहें और इंडिया खुश हो जाएगा। तो ये दोनों कंट्री आपस में ये मना रहे हैं कि KP शर्मा ओली एक मना रहे हैं KP शर्मा ओली खत्म हो जाए, उनकी सत्ता खत्म हो जाए, और एक मना रहा है कि KP शर्मा ओली रहे, 2021 के इलेक्शन में भी KP शर्मा ओली का साथ रहे नेपाल के साथ। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।